तो यहाँ पे आप देखते हैं हम अपना टेंसाइल रेनफोर्समेंट, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, हम अपने टेंसाइल रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। टेंसाइल रेनफोर्समेंट को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं सर? हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अपने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास दो टाइप की रेनफोर्समेंट होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होती है, दूसरी आपके पास ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होती है। जब हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो उनको हम एज ए आपके पास मेन बार की तरह प्रोवाइड करते हैं। जब हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो उनको आप एज ए स्टिरअप्स की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? बट जब आप बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार की, तो सर ये क्या करता है हमें? टू प्रिवेंट द बेंडिंग मोमेंट एंड आपके पास जो टॉर्क का इफेक्ट आ रहा होता है उसको क्या करता है? मिनिमाइज करता है। बट जब हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो आपका क्या करता है? टू प्रिवेंट द शेयर फोर्स एंड आपके पास जो भी टॉर्जनल का इफेक्ट आपके सेक्शंस के ऊपर आ रहा होता है उसको क्या करता है? मिनिमाइज करता है। क्लियर है? तो यहां पे हम सबसे पहले तीन कंडीशन इसकी देखेंगे कि किस तरह से हम अपना जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहां पे जो स्टूडेंट होते हैं वो काफी डाउट में रहते हैं। क्लियर है? क्योंकि इंटरव्यू में यही फेस है जो आपका पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले 4A वन वे स्लैब फुटिंग की। किसकी बात करेंगे? वन वे स्लैब फुटिंग की बात करेंगे, और दूसरी हम यहाँ पे टू वे स्लैब फुटिंग की बात करेंगे। और जो वो टू वे स्लैब फुटिंग होगा वो भी हमारे पास स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो जब हमारे पास स्क्वायर होगा तो उस समय कौन सी कंडीशन होगी? जब हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा तो उस समय हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी? तो इन दोनों को ही हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं वन वे स्लैब फुटिंग क्या बोलता है कि जो भी यहां पे जो आपका टेंसाइल रेनफोर्समेंट होगा या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होगा शैल बी प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विड्थ ऑफ द सेक्शन। कि जो भी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होगा वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विड्थ ऑफ द सेक्शन, या हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द विड्थ, ये भी हम कह सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं ये हमारे पास क्या होगा, आपके पास ये मान लेते हैं आपके सेक्शन की लेंथ होगी, ठीक है, ये आपके पास विड्थ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो रेनफोर्समेंट होगा आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, तो किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा? कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, इस तरह से। तो ये हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दी विड्थ, ठीक है, इस तरह से हम अपनी प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? आप अच्छे से बना लीजिएगा। मान लेते मेरे पास ये एक वन वे स्लिप की बात यहाँ पे चल रही थी। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने सेकंड केस की। सेकंड केस आता है आपके पास फोर टू वे स्लैब स्क्वायर फुटिंग। कैसा है? अब टू वे स्लैब है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है? स्क्वायर है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम बात किसकी कर रहे हैं? हम अपने टेंसाइल रेनफोर्समेंट की ही बात चल रही है यहाँ पे, दैट इज टेंसाइल रेनफोर्समेंट, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। इसमें क्या बोलता है कि जो भी हमारे पास टेंसाइल रेनफोर्समेंट होगा शेल बी प्रोवाइडेड बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन मीन्स कि उसको एक्स एक्सिस के अलोंग भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसको वाई एक्सिस के अलोंग भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि उसको लेंथ के अलोंग भी प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसको विड्थ के अलोंग भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द सेक्शन ऑफ द फुटिंग। क्लियर है? तो यहां पे जो हमारे पास MUX होगा, दैट इज एक आ जाएगा MUX और दूसरा आ जाएगा हमारे पास MUY। तो MUX निकाल देंगे आप यहां से, जैसे फॉर्मूला है 0.87 इज FY AST इज दैट इज D माइनस 0.42 XU, कुछ इस तरह से है, और MY के कॉरस्पॉन्डिंग 0.87 इज FY इज AST इज D माइनस 0.42 XU। दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल दिया मैंने, किस किस के? आपके x के कॉरस्पॉन्डिंग भी और y के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कब? जब हमारे पास कैसा दिया हो सर? स्क्वायर सेक्शन दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मेरे पास हो जाएगा MUX इज इक्वल टू MUY हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम AST निकालेंगे तो AST क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज MUX डिवाइडेड बाई 0.87 इज FY इज दैट इज D माइनस 0.42 XU।
क्लियर है, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका, एएसटी आ जाएगा। एएसटी से हम क्या निकाल देंगे यहां पे, नंबर ऑफ बार्स निकाल देंगे। क्लियर है, नंबर ऑफ बार कैसे निकल जाएगा आपके पास, एएसटी इज नंबर ऑफ बार एन, सॉरी जो आपके पास ये एएसटी निकल के आएगा यहीं से आप निकाल दोगे नंबर ऑफ बार, तो एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू ए एस टी डिवाइडेड बाय पाई बाई फोर इंटू डाया का स्क्वायर। क्लियर है, इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ बार्स निकल जाएगा। अब मान लेते हैं आपके पास नंबर ऑफ बार्स कितनी आ गई यहाँ पे, टोटल आ गई होगी आपके पास 10 बार आ गई। तो 10 ही बार आपको कहाँ डालना है, एक्स एक्सिस के अलोंग डालना है, और 10 ही बार आपको वाई एक्सिस के अलोंग डालना पड़ेगा। तो देखिएगा किस तरह से, तो यहाँ पे मैं आपके एक्स एक्सिस के अलोंग डाल देता हूँ 1 बार, ठीक है, 2 बार आपके पास, 3 बार आपके पास, 4 बार, और ये आपके पास 5th बार हो गया, 6th बार हो गया, 7th बार हो गया, ठीक है, 8th बार हो गया, एंड 9th बार हो गया, और ये आपके पास 10th बार हो गया। कितने बार प्रोवाइड किया मैंने, 10 बार किए। ये तो मैंने किस पे, एक्स एक्सिस के लो। अब मैं वैसे ही मैंने बोथ डायरेक्शन में 1 हो गया, 2 हो गया आपके पास, एंड देट इज 3 हो गया, एंड देट इज 4 हो गया, देट इज 5, देट इज 6, देट इज 7, ये 8 हो गया आपके पास, 9 हो गया, और ये हमारे पास 10 हो गया। कुछ यहाँ पे बेशक रहा होगा टेढ़ा मेढ़ा, कोई बात नहीं, आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे लेंथ, और ये हो गया मेरे पास यहाँ पे विड्थ हो गया इसकी, यानी कि सेक्शन कैसा है आपके पास, स्क्वायर सेक्शन है। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ बार कुछ इस तरह से प्रोवाइड करनी है। ये किसके अकॉर्डिंग है मेरे पास, ये है आपके पास लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग। क्लियर है, अब बात करते हैं तीसरे केस की। ये तो स्क्वायर था, अब बात करते हैं फॉर ए टू वे स्लैब ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग की। किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगुलर फुटिंग है, अभी तो स्क्वायर फुटिंग था तो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, जब रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो वहां पे कैसे करेंगे। ये लाइंस को पढ़ना ही बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप इसको कोड में स्टडी करते हैं तो आपकी स्टडी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसको बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा आप, ठीक है, कि जो द रेइनफोर्समेंट एक्सीडिंग इन लॉन्ग डायरेक्शन, लॉन्ग डायरेक्शन शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ द स्लैब बट इन शॉर्ट सेंट्रल बैंड इक्वल टू द विड्थ ऑफ द फुटिंग शैल बी मार्क्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द फुटिंग वेयर द पोर्शन ऑफ रेनफोर्स शैल बी डिटरमाइंड। तो आप उस समय उसका जो आपके पास रेनफोर्समेंट है वो किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है, ये लाइन को समझना बहुत डिफिकल्ट है, बट इमेज से समझोगे तो जल्दी समझ आएगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लेते हैं आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, दिस इज द रेक्टेंगुलर सेक्शन, थोड़ा सा इसको नीचे बनाने की कोशिश करते हैं, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है और ये इसका क्या है यहाँ पे कॉलम है। क्लियर है, और यहाँ पे एक अगर बात करते हैं हम इसकी, ये होगी सर इसकी लेंथ होगी, ठीक है, और ये बात कर लेते हैं सर ये इसकी विड्थ होगी। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं सर ये एल है, मान लेते हैं आपके पास कोई मीटर एल मीटर लेंथ होगा, और यहाँ पे बात कर लेते हैं कोई सर बी मीटर आपके पास विड्थ होगी इसकी, क्योंकि सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर है, एल इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, एल आपके बी के इक्वल नहीं है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो यहां पे उसने क्या बोला कि जब भी आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन में अपना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है तो सबसे पहले आपको विड्थ के अलोंग कि जितनी आपके पास विड्थ दी गई है उसके इक्वल कट लगाइएगा अपने लेंथ के अलोंग, कि जितनी आपके बी यहां पे दिया गया है, बी का सेक्शन दिया गया है, मान लेते हैं आपके पास 10 मीटर का है, तो इसी 10 मीटर को आप अपने लेंथ पर मार्क कीजिएगा बिल्कुल कॉलम के सेंटर से। तो यहां से मैंने ये मार्क कर दिया आपका, मान लेता है ये बी विड्थ, कि जितनी ये बी थी मेरे पास ये मैंने यहां पे मार्क कर दी, ठीक है सर, ये मैंने यहां पे मार्क कर दिया किसके इक्वल सर, बी के इक्वल। वैसे ये एक है क्या टोटल लेंथ, क्योंकि आपके इसके ऊपर मार्क किया तो इसी को क्या बोला जाएगा आपका सेंट्रल बैंड बोलते हैं हम, इसी को सेंट्रल बैंड बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब हम अपने टू वे स्लैब फुटिंग में रेक्टेंगुलर फुटिंग के अंदर जब हम अपनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास सेंट्रल बैंड की विड्थ किसके इक्वल होती है, तो उस समय जो सेंट्रल बैंड की विड्थ जो ली जाती है वो आपके रेक्टेंगुलर सेक्शन के विड्थ के बराबर ली जाती है। अब जो इसके बाहर का जो स्पेस बचा दोनों साइड आउटर साइड, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोला जाएगा आपके पास एज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, इसको एज डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। तो यही इस लाइन का मतलब यही है कि अगर आपको किसी रेक्टेंगुलर सेक्शंस के अंदर अपनी रेनफोर्समेंट को इंट्रोड्यूस करना होता है तो उस कंडीशन में आपकी जितनी विड्थ है उतना ही आप मार्क करिएगा अपने लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग, और उसी बी को हम उस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलेंगे? सेंट्रल बैंड बोला जाएगा। क्लियर है? तो बन गया सेंट्रल बैंड। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया भाई? ये सेंट्रल बैंड। तो इसको थोड़ा सा हल्का हल्का मार्क कर देता हूं कि ये मेरे पास क्या है? सेंट्रल बैंड है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे ये आपका कॉलम है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? जैसे आपने पहले क्वेश्चंस में निकाला था, वन वे स्लैब में निकाला था, तो वहां पे अम्यूनिक्स निकाला, MUI निकाला था, तो वहां पे एक ही निकालने पे आपको क्या मिल गया था? AST। बट यहाँ पे आपको लॉन्गर डायरेक्शन में भी निकालना पड़ेगा और शॉर्टर डायरेक्शन में भी अपना AST निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे आप निकालोगे AST निकालेंगे आप कहाँ पे? अपना शॉर्टर डायरेक्शन में भी निकालेंगे यहां पे, और अपना लॉन्गर डायरेक्शन में भी निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं शॉर्टर डायरेक्शन की, तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला था MUX इज इक्वल टू 0.87 FY AST इज D-0.42 XU। क्लियर है? तो यहां से क्या निकल के आ जाता मेरा? AST। तो AST क्या हो जाता? MUX डिवाइडेड बाय 0.87 इज FY इज D-0.42 XU। कुछ ये हो गया है। अभी बात कर लेते हैं हम सिर्फ लॉन्गर डायरेक्शन, सॉरी शॉर्टर डायरेक्शन की, लॉन्गर की बाद में करेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या निकल गया आपको? AST निकल गया होगा। अब जब यहां पे आपका AST निकल गया होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग? अब टोटल नंबर ऑफ बार निकालना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ बार्स कितना आ जाएगा? NT। मैं किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूं आपकी? X। तो मैं यहां पे X लिखूंगा, तो हो जाएगा आपके पास AST डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 इंटू पाई का स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपके पास? टोटल नंबर ऑफ बार निकल के आ जाएगा। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बार्स आपके पास 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया। अब जब यहां पे बात करते हैं अब NC की, यानी कि NC बोले तो नंबर ऑफ बार एट एजिस पे, ठीक है, सॉरी सेंट्रल बैंड पे। NC मतलब सेंट्रल बैंड पे कितनी बार आएगी NC? तो आ जाएगी हमारे पास NTX, जो आपने X डायरेक्शन में निकाली, टोटल नंबर ऑफ बार 2 is 1 plus beta, और बीटा क्या हो जाएगा यहां पे? बीटा हो जाएगा आपके पास दैट इज लॉन्ग स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पेन। यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका? बीटा निकल के आ जाएगा। अब जब आपने यहां से एनसी भी निकाल दिया है तो अब आप क्या निकाल सकते हैं यहां पे? अब निकाल सकते हैं आप एज का। तो एज कैसे निकलेगी आपके पास? तो एज निकलेगी NE इज इक्वल टू टोटल NTX माइनस NC डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से क्या निकल गया? एज बार निकल गया। तो ध्यान दीजिएगा, अब मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बार 18 आया था और आपके पास जो सेंट्रल बैंड की जो नंबर ऑफ बार आई उसको मान लेते हैं आपके पास कितनी आई होगी? आपके पास 10 आई होगी। ठीक है, तो आपके पास एज की कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 18 - 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 8/2 = 4। क्लियर है? तो ये तो आ गई आपकी किसकी? शॉर्टर डायरेक्शन में। तो अब हम प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले कहां प्रोवाइड करना हमें? सेंट्रल बैंड पे। तो सेंट्रल बैंड पे कितनी बार है सर? 10। तो प्रोवाइड कीजिएगा 10। तो यहां पे प्रोवाइड करेंगे सर हम, एक हो गया आपके पास, ठीक है, दो होगी, तीन हो गई हमारे पास, चार हो गया, ठीक है, ये पांच हो गया हमारे पास, ये छह होगी हमारे पास, सेवन हो गई, एट हो गई, और आपके पास 9 हो गई, ये हमारे पास 10 होगी। यानी कि जो NC आया था मेरे पास सेंट्रल बैंड में, वो कितना आया था? 10 आया था, यानी कि कैलकुलेट करके। अब इसी तरह से हम क्या देखेंगे यहाँ पे? अब देखेंगे सर एज पे कितनी है? 4। तो 4 को मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा? 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक यहाँ पे कर दी मैंने और एक यहाँ पे कर दी दो बार्स, और एक यहाँ पे प्रोवाइड कर दी और एक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। ये तो मैंने क्या निकाला अपना? शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग निकाली है। अब उसी तरह से जब लॉन्गर डायरेक्शन के अलोंग देखेंगे तो दैट इज MUY। तो हम निकालेंगे MUY इज इक्वल टू 0.87 इज FY AST इज D-0.42 XU। ठीक है, तो यहां से आपका AST आ जाएगा, तो AST इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास MUY इज 0.87 इज FY इज
आपके पास दैट इज d माइनस 0.42 एक्स यू, क्लियर है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका AST, और जब AST निकल के आ जाएगा तो यहां से क्या निकाल देंगे नंबर ऑफ बार, तो AST डिवाइडेड बाय इज पाई बाय 4 इनटू पाई का स्क्वायर, ठीक है। बट ये कंडीशन भी वेरी करती है कि वन वे है टू वे है, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, बट यहां पे अभी आप सिंपल देख रहे हैं। तो यहां से आपके पास क्या आ गया n, टोटल नंबर ऑफ बार आ गया y डायरेक्शंस में, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं यहां पे कितनी आई होगी आपके पास 10 आई है, ठीक है, कितनी आई है 10 आई है। तो अब आप y के लॉन्ग भी कितनी बार प्रोवाइड करेंगे 10, x के लॉन्ग 10 बार्स तो प्रोवाइड कर दो। तो ये हमने कर दी सर, एक बार हो गई आपके पास, दो बार्स हो गई आपके पास, तीन बार हो गई हमारे पास, चार बार हो गई हमारे पास, ठीक है, पांच बार हो गई हमारे पास, सिक्स बार, ठीक है, सेवन बार एंड एट बार, ठीक है, एक और बार प्रोवाइड कर देते हैं, नाइन बार हो गई यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो इक्वली स्पेस पे होगी, बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ से मुझे एनसी बार भी दिखी, सेंट्रल बेंड की बार भी दिखी सर की कितनी है हमारे पास, सर 10 आई थी। एज की बार कितनी आई थी सर, 2 यहाँ आई थी, 2 आई थी, और सर ये वाली बार कितनी आई थी आपके पास, मान लेते 10 आई थी, क्लियर है। तो इस तरह से हमने अपनी नंबर ऑफ बार्स को प्रोवाइड करना है डियर, क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है आपके पास लोड ट्रांसफर एट द बेस ऑफ फुटिंग। ये भी आपका इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है। यहां पे मैंने आपके पास एक कॉलम लिया है और उसकी स्टेप फुटिंग ली गई है। क्या लिया गया सर, ये हमारे पास कॉलम है और ये मेरे पास क्या है स्टेप फुटिंग है, दैट इज स्टेप फुटिंग ली गई यहां पे, ठीक है। और यहां पे इसका स्लोप है और 2:1 है, क्लियर है। यहाँ पे दो एरिया लिया गया है मैंने, एक एरिया A2 लिया गया है और एक एरिया A1 लिया गया है। जो आपके पास एरिया A1 है वो मैक्सिमम एरिया है सपोर्टिंग ऑफ द फुटिंग, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं A1 क्या है हमारे पास, A1 है मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया ऑफ द सपोर्टिंग कॉलम, सपोर्टिंग कॉलम ऑफ द फुटिंग, कॉलम ऑफ द फुटिंग, ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अपने A2 की, तो A2 क्या है आपके पास, A2 है हमारे पास लोडेड एरिया ऑफ बेस ऑफ द कॉलम, A2 क्या है एरिया ऑफ द लोडेड कॉलम, लोडेड कॉलम एट द बेस ऑफ द फुटिंग, द बेस ऑफ द फुटिंग, क्लियर है। तो ये चीजें आपको यहां पे भी ध्यान रखनी है। और इसी के ऊपर मान लेते हैं हमारे पास कोई पी लोड आ रहा होगा, दैट इज पी लोड, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कि लोड ट्रांसफर एट द बेस ऑफ फुटिंग, कि आपका लोड यहां पे किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो यहां पे आपके पास कभी भी जब दो सरफेस, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस आपस के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वहां पे जो स्ट्रेसेस डेवलप्ड होती है उसको बोला जाता है बेयरिंग स्ट्रेस। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास ये तो फुटिंग था और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉलम है। अब जो कॉलम का लोड है वो कहां पे ट्रांसफर हो रहा है, आपके बेस ऑफ द फुटिंग पे ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पे एक स्ट्रेसेस डेवलप्ड होगी, इस एरिया में एक स्ट्रेसेस डेवलप्ड होगी जहां पे दोनों सरफेस के कॉन्टैक्ट मीट करेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बेयरिंग स्ट्रेस। क्या बोला जाएगा, बेयरिंग स्ट्रेस बोला जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम कि जो आपका बेयरिंग स्ट्रेस होगा BR, वो क्या हो जाएगा 0.25 is FC के, क्लियर है। ये किसके केस में हो जाएगा आपके पास, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के केस में हो जाएगा, क्लियर है। और बेयरिंग स्ट्रेस इन 0.16 is FC के, ये किसके केस में हो जाएगा, ये हमारे सॉरी ऊपर वाला LSM है, ऊपर वाला क्या है आपके पास, दैट इज LSM है, और नीचे वाला हमारे पास क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, क्लियर है। ये आ गई आपके पास बेयरिंग स्ट्रेस, क्लियर है। अगर हम बात करेंगे अपने कैलकुलेटेड बेयरिंग की, तो कैलकुलेटेड बेयरिंग क्या होगा, बेयरिंग कैलकुलेटेड, तो बेयरिंग कैलकुलेटेड हो जाएगा 0.45 एफ सी के इज रूट A1/A2, ठीक है, A1/A2। A1 क्या है हमारे पास, ये है मैक्सिमम एरिया ऑफ द सपोर्टिंग कॉलम ऑफ द फुटिंग, ठीक है, ये वाला एरिया। और A2 क्या हमारे पास, एरिया ऑफ द लोडेड कॉलम एट द बेस ऑफ द फुटिंग, कॉलम के बेस ऑफ पर, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं बेस ऑफ कॉलम ही लिख देते हैं, फुटिंग गलत हो जाएगा, फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है।
ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि जो आपके पास ये एरिया होगा रूट ऑफ ए वन डिवाइडेड बाय ए टू, ये हमेशा नॉट मोर देन 2.0, ये 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया है कि कोई भी लोड आपकी फुटिंग में किस तरह से ट्रांसफर होता है, वो आपके बेरिंग के थ्रू ट्रांसफर होता है, यानी कि बेरिंग स्ट्रेस के थ्रू ट्रांसफर होता है। क्लियर है? तो ये वाला कोडल प्रोविजन है, काफी बारी पूछा जाता है आपको जब मैचिंग करने के लिए आते हैं, जबकि एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके पास एक बारी नहीं कम से कम 10-15 टाइम्स यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन यही पूछा गया है कि मैक्सिमम बेरिंग स्ट्रेसेस इन डेवलप्ड ड्यू टू फुटिंग, तो क्या होगी आपके पास? तो कैलकुलेटेड तो आपके पास ये होगी, बट अगर हम बात करेंगे एलएसएम में तो ये होगी और आपके पास वर्किंग में ये होगी। यहाँ पे स्टूडेंट गलती से रूट लगा देता है तो गलत हो जाता है, यहाँ पे रूट मत लगाना आपके पास, ठीक है? ओके, लास्ट आता है आपके पास, अब आता है डॉल बार। किसकी बात करेंगे हम? अपने डॉल बार की अब बात करेंगे। जब भी हम यहाँ पे डॉल बार की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि सर डॉल बार की एडवांटेज क्या है। डॉल बार की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, इट इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्लैब। ये क्या करता है सर, लिख लीजिएगा, ये करता है सर इट इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल स्लैब, सॉरी कैपेसिटी ऑफ द स्लैब, ठीक है? पहला पॉइंट यही है। और दूसरा क्या है, रिड्यूस करता है डिफ्लेक्शन को आपको, ठीक है, डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेसेस को, ये भी लिख सकते हैं, रिड्यूस द डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेसेस, डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेसेस को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है? उसके बाद भी हो सकता है, इट इंक्रीज द इनिशियल पेमेंट, ठीक है, इनिशियल स्ट्रेस ऑफ पेमेंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, इट इंक्रीज द इनिशियल स्ट्रेस, इनिशियल स्ट्रेस ऑफ द पेमेंट, ठीक है? तो ये भी आपको यहां पे थोड़ा सा याद रखना है। पेमेंट जैसे हो गया आपके पास लाइक ए स्लैब भी हो सकता है, पेमेंट भी हो सकता है, आपके पास स्लैब भी हो सकता है, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सर ये मेरे पास क्या है, सर ये कॉलम है, ये क्या है मेरे पास सर, फुटिंग है, ठीक है? और यहां पे मैंने क्या किया है सर, लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड की है पहले, ये मेरे पास क्या है सर, लॉन्गिट्यूडनल बार है। अब जब मैंने लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड किया है तो मैंने यहां पे क्या प्रोवाइड कर दिया सर, डॉल बार प्रोवाइड कर दिया है, ये डॉल बार्स है, ये मेरे पास जैसे आपने बोन डेवलपमेंट लेंथ पढ़ा होगा कुछ इसी तरह से यहां पे हमने प्रोवाइड कर दी है। क्लियर है? तो यहां पे जो एरिया ऑफ डॉल बार होता है वो आपका 50% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सपोर्टेड कॉलम होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपके पास एरिया ऑफ द डॉल बार होता है, डॉल बार होता है वो क्या होता है, 50% ऑफ द, या 50% की जगह मैं 0.5 लिख देता हूं, अब 0.5 ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, 0.5% क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सपोर्टेड कॉलम, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? और जो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डॉल बार जो होती है, मिनिमम नंबर ऑफ जो डॉल बार होगी आपके पास वो कितनी होगी, वो आपके पास 4 होगी। क्लियर है? कितनी होगी, 4 होगी। और जो डाया ऑफ डॉल बार होगा, डाया ऑफ डॉल बार, यहां पे लिख रहा हूं मैं डॉल बार वो कितना होगा आपके पास, शुड नॉट बी मोर देन डाया ऑफ कॉलम बार, डाया ऑफ कॉलम बार प्लस 3 mm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपके पास डाया ऑफ कॉलम बार, ये भी मैं लिख देता हूं कि जो आपके पास डाया ऑफ कॉलम बार, फोर्थ पॉइंट है इसका, कि जो डाया ऑफ कॉलम बार इज मोर देन 36 mm
36 mm, तो उस कंडीशन में आपने ओनली कंप्रेसिव, तो उस कंडीशन में क्या करना, ओनली कंप्रेसिव कैन बी डॉल्ड, तो उस कंडीशन में आपको ओनली क्या करना पड़ेगा, वहां पे डॉल बार्स प्रोवाइडेड करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो ये सारी कंडीशंस है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। सारी के सारे जो ये डाटा है सब ये कोडल प्रोविजन के डाटा है। यहाँ पे हमने कोई भी डाटा अपनी मर्जी से नहीं लिया है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है उनको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। और एक यहाँ पे मैं और भी आपको बता देता हूँ, अगर हम यहाँ पे टाउ सी की वैल्यू देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि जो टाउ सी होता है उसको आप कहाँ से देखते हैं सर, अपने टेबल से देखते हैं, कहाँ से, अपने 19 टेबल से। और जो वहाँ पे जो टाउ सी होता है वो डिपेंड करता है किस पे, आपके पास आपकी पीटी पे डिपेंड करता है, यानी कि परसेंटेज ऑफ स्टील कंक्रीट पे डिपेंड करता है, और आपके एफसीके पे डिपेंड करता है। पीटी क्या होता है आपके पास, एएसटी बाई बीडी इनटू 100 होता है। क्लियर है? तो कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि जो टाउ सी मिनिमम होता है आपके पास वो कितना होता है, वो 0.18 होता है। किस कंडीशन में, आपके वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कंडीशन में। और टाउ सी मिनिमम जो होता है हमारे पास वो होता है 0.28, किस में आएगी है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, पूरे लिख देता हूं, यानी कि मेगा पास्कल। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, मेगा पास्कल। तो ये किस में है, एलएसएम में है। ये कब है, जब आपके पास वहां पे मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हो, पीटी कितना हो आपके पास, दैट इज 0.15 हो। क्लियर है? ये चीज आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। क्लियर है? तो जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन थे आपके पास डिजाइन ऑफ फुटिंग में, उनको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। क्लियर है? हालांकि यहाँ पे आपके पास जितने भी डिजाइन ऑफ फुटिंग में कोडल थे वो कंप्लीट हो गए हैं, इससे बाहर आपको कोई भी कोडल प्रोविजन की स्टडी नहीं करनी है। क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि आपका एक या दो मार्क्स पक्का हो, तो ये डिजाइन ऑफ फुटिंग का जो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा डियर। तो ओके गाइज़।